हेलो हमारे यूट्यूब फैमिली सो गाइज आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कुछ चटपटा सा घर पे कम सामान से बन जाने वाली पोहा नमकीन जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही चटपटे होते हैं घर में आप बना सकते हैं ईजिली बहुत ही आ, मतलब इजी बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं तो आइए प्रोसेस पर चलते हैं हम लोग तो मैंने तेल में पहले मूंगफली को फ्राई कर लिया फिर चने दाल का जो आप लोग चटनी बनाते हैं उसे भिगा लीजिए थोड़ा सा फूल जाए तो उसे भी फ्राई कर लीजिए आप उसके बाद मैंने डाला है काजू काजू को भी मैंने फ्राई कर लिया है और उसके बाद ये फ्राई हो चुका है और मैं उसके बाद डालूँगी मखाना आप अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं उसके बाद ये मैंने डाला पोहा फिर कड़ी पत्ता जो कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फिर मैंने जुगाड़ू वाला किया है मैंने बेसन का जो नमकीन होता है ना वो मैंने छान करके रेडी कर लिया है घर पे ही देखे बहुत ही जुगाड़ू वाला काम हुआ है तो ये मैंने बेसन का आ, मैंने बना लिया है बैटर उसके बाद मैं एक बॉटल में एक छेद करके उसे अच्छे तरीके से छान लिया फिर मैंने कुछ मसाले ऐड किए ये है हमारी कश्मीरी लाल मिर्च ये है हमारा धनिया पाउडर और कुछ मसाले हैं ये है हमारा काली मिर्च और ये आ, कुछ मसाले मैंने ऐड करे हैं तो ये सारे चटपटे मसाले हैं चाट मसाला है आपको मसाला का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे भाई तो ये देखिए हमारे नमकीन की टेक्सचर कितनी अच्छी और खुदी हुई है आप लोग देख सकते हैं कितना क्रिस्पी हुआ है बहुत ही अच्छा लग रहा था और आप लोग को इस नमकीन की लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर चाहिए तो आप लोग को मिल जाएंगे तो ये इसकी रेसिपी आप लोग कैसे बनाते हैं इस नमकीन को जो कि मतलब ये नमकीन का बैटर कैसे बनाते हैं तो इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और ये देखिए घर पे बन गया है हमारा चटपटा वाला नमकीन जो कि कम सामान से कम बजट में बन के रेडी हो जाएगा जो कि हम लोग ने मार्केट से कुछ भी नहीं मंगाती हूँ घर पे ही सारे कुछ रेडी कर लेती हूँ तो देखिए इसे सारा अच्छा कुछ डाल के एक प्लेट के साथ साथ उसमें मिक्स कर लीजिए और उससे बाद ये देखिए हमारा बन के हो गया है रेडी जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहा था मज़ा आ गया गाइस तो हमारे घर में हमारे हस्बैंड और हमारे बच्चे दोनों को बहुत ही पसंद आया फिर एक कंटेनर ले लीजिए उसमें आप स्टोर भी कर सकते हैं महीनों दिन खा कर खा खा सकते हैं इसे कोई ख़राब वाली चीज़ नहीं है तो सो गाइस आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये रेस भी जरूर बताना और कमेंट नहीं किया तो कमेंट करना लाइक से सब्सक्राइब भी करना थैंक यू बाय